दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करेंगे आज होने वाले कुछ आंदोलनों की। तो मैं बता दूँ कि आज भी पूरे देश में लगभग आंदोलन हो रहे हैं, जिसकी मैं अभी आपको पूरी वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा। तो उससे पहले बता दूं कि देखिए, जिस तरीके से कल रेलवे ने रिवाइज रिजल्ट के नाम पर धोखा किया है, सिर्फ और सिर्फ सेम टू सेम रिजल्ट डाल दिया। उसमें फ़र्क इतना था कि आपके रॉ मार्क्स दिखा दिए गए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ क्लियर नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हुआ। यहाँ पर जब सेम शिफ्ट वाला बंदा, उसके एको नंबर नहीं बढ़े हैं और सेम शिफ्ट में उसी के साथ जो बैठा हुआ था उसके 20 नंबर बढ़ गए, तो ये किस तरीके की इजी और टफ शिफ्ट हुई। यानी कि भाई, अगर सरल शिफ्ट या फिर कठिन शिफ्ट होती तो सेम शिफ्ट वाले बंदों के नंबर तो कम से कम नहीं बढ़ते। और उसके साथ साथ अगर आपको नॉर्मलाइजेशन करना ही था तो जोन वाइज करते ना, तो आपने पूरा मिला के कर दिया। मान लीजिए किसी जोन में कम वैकेंसी थी, ठीक है, और किसी जोन में ज़्यादा वैकेंसी थे, तो इसमें नुकसान है ना दोस्त, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, तो इनका कुछ सॉल्यूशन तो निकलना ही चाहिए। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किसी को अभी तक समझ में नहीं आया है। और बता दूं कि जो आज आंदोलन हो रहे हैं उसमें कुछ बड़े नेताओं का भी साथ मिल रहा है। जैसा कि अभी लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हिंदू युवा वाहिनी के लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो अब सुनने में आ रहा है कि बिहार में जो कन्हैया कुमार हैं वो भी इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए दिखाता हूँ मैं थोड़ी छोटी सी आपको क्लिप, और किस तरीके से न्यूज़पेपर में भी आया था कि 11 तारीख को भी ऐसे ही आंदोलन जारी रहेगा। सड़क पर है, मरीज सब सड़क पर है, मतलब देश का सारा जनता किसी न किसी समस्या के लोग सड़क पर है।